1966 में राही मासूम रजा उपन्यास आधा गांव प्रकाशित हुआ। उपन्यास में 340 पेज हैं और इसे राजकमल प्रकाशन से पब्लिश किया गया है। हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी को दिखाते हुए अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। इसी कड़ी में राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव भी शामिल है। यह एक उपन्यास नहीं वरन उस गांव की जीवन गाथा है जिसने विभाजन का सन्नास झेला। एक गांव गंगोली के बहाने भारत विभाजन के बिल्कुल पहले की कहानी, जिसमें राही मासूम रजा एक गांव के सामाजिक जीवन, गांव वालों के सुख दुख और गांव की राजनीति को बड़े दिलचस्प किस्सा गोही के अंदाज में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पृष्ठभूमि में पाकिस्तान बनने की सुगबुगाहट विद्यमान है, तो करेंगे उपन्यास पर पूरी चर्चा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। गाजीपुर के पास है गंगोली गांव, उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी में बटा हुआ है, जहां सैयद रहते हैं। बीच में जुलाहे अहीर और दिग्गर छोटी जात के लोग रहते हैं। कहानी इन्हीं सैयदों की है और इनके साथ गांव की है। अन्य जातियों के लोग भी कहानी में आवाजाही करते रहते हैं। कहानी फुन्नन मियां, अब्बू मियां, गया अहीर, हकीम अली कबीर, मौलवी बेदार, छिकुरिया परसुर मवा, तन्नु बिगदाद, झगटिया बो, रहमनिया बो, कुलसुम हम्माद मियां, ठाकुर कुंवर पाल सिंह जैसे कई पात्रों के सहारे आगे बढ़ती है। कहानी के पात्र भोजपुरी मिश्रित उर्दू बोलने वाले हैं और अपनी जमीन से उनका गहरा जुड़ाव है। इतना कि पात्र तन्नू कहता है, गंगोली मेरा गांव है, मक्का मेरा शहर नहीं, यह मेरा घर है और काबा अल्लाह मियां का। खुदा को अगर अपने घर से प्यार है तो क्या माजल्ला ये नहीं समझ सकता कि हमें भी अपने घर से उतना ही प्यार हो सकता है। और फूनन मियां एक पाकिस्तान परस्त फारूक से पूछ बैठते हैं कि भैया, गंगोली तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा ना। यह उपन्यास सांप्रदायिक दंगों के कारण गांव में आए परिवर्तन की कहानी है, परंतु यह उपन्यास सांप्रदायिक घटनाओं से अधिक उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से किस तरह हमारा ग्रामीण और नगरीय समाज, जिसमें तमाम विभिन्नताएं मौजूद थी, एक रहते हुए भी विभाजित होने लगा था। मुहर्रम और ताजिया दोनों पट्टियों को जोड़ने वाली कड़ी है, लेकिन इनमें भी मातम करने, नोहा पढ़ने में प्रतिद्वंदित चलती रहती है। राही मासूम रजा ने इन पात्रों को वैसे ही दिखाया जैसे वो हैं। गवैये गांव के लोग, जिनमें भाषाई संयम का अभाव है और गालियां उनके मुंह से धड़ल्ले से निकलती है। इस उपन्यास में बहुत सुंदर कथन है जो इस प्रकार है, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुझे इस गाँव से मोहब्बत है क्योंकि मैं खुद ये गाँव हूँ। मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इस कच्चे रास्तों से प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरे ही मुख्तलिफ रूप है। मैदान जग में जब मौत बहुत करीब आ जाती है तो मुझे अल्लाह जरूर याद आता था, लेकिन मक्का मुजिम्मा और करबला मोल्ला की जगह मुझे गंगोली याद आती थी और मैं ये सोचकर झल्ला जाता था और रोने लगता था कि अब शायद मैं नील के गोदाम पर बैठकर गन्ना नहीं खा सकूंगा और शायद अब मुझे आठवीं की मजलिस का हवाला नहीं मिलेगा। अल्लाह तो हर जगह है, फिर गंगोली और मक्का, नील के गोदाम और काबे और हमारे पोखरे और चाहे जमजम में क्या फर्क है। इस प्रकार ये उपन्यास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। इसे पढ़ते हुए हम हमारे यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को जो महसूस करते हैं, साथ ही जब विभाजन और सांप्रदायिक माहौल बनने लगता है तो हमें बेचैन भी कर देता है। राही मासूम रजा बहुआयामी व्यक्ति वाले साहित्यकार माने जाते हैं। उपन्यास, कविता, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने के अलावा अपने फिल्म लेखन में भी एक संवादक का कार्य किया है। उनका स्वतंत्रता के प्रथम आगाज के रूप में चर्चित महाकाव्य क्रांति कथा सन 1957 में प्रकाशित हुआ। राही ने हिंदी लेखन का कार्य छोटी आदमी की बड़ी कहानी नामक पुस्तक से प्रारंभ किया, जो कि उनकी हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। इसमें परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जीवन कथा है। आधा गांव और टोपी शुक्ला आपके द्वारा लिखे गए 10 उपन्यासों में से सबसे ज्यादा चर्चित एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। आखिर में रजा के ही शब्दों में, यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफर है। मैं गाजीपुर की तलाश में हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी गंगोली में ठहरूंगा। अगर गंगोली की हकीकत पकड़ में आ गई तो मैं गाजीपुर का एपिक लिखने का साहस करूंगा। यह उपन्यास वास्तव में उस एपिक की भूमिका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।